हेलो फ्रेंड्स, मेरे नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर लोगों को दिन की शुरुआत चाय से होती है। सुबह उठते ही सबसे पहले लोग आपको दूध वाली चाय की तलब उठती है। कई लोग तो चाय के इतने शौकीन होते हैं कि उन्हें हर 2 घंटे पर चाय चाहिए। चाय पीकर भी अपनी थकान मिटाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीना आपके सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। नंबर 1, एसिडिटी। सुबह खाली पेट चाय पीने से आपको ये समस्या हो सकती है। आप चाय का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो आपका पेट भी फुल हो सकता है, यानी बेकार हो सकता है। दरअसल चाय में कैफीन पाया जाता है, इसकी वजह से पेट में गैस बनती है। इस तरह आपको पाचन शक्ति की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपकी आंतें भी खराब हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग चाय पीते हैं। ज़्यादा चाय पीने से आपकी नींद कम हो जाती है। जी हाँ, नींद पूरी न होने के कारण आपको तनाव, स्किन प्रॉब्लम जैसी कई दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। नंबर 2 क्या रहता है, ब्लड प्रेशर। ज़्यादा चाय पीने से ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो अधिक मात्रा में चाय पीने से बचना चाहिए। ये आपके सेहत को प्रभावित कर सकती है। एक्ने, यानी कि दाने निकलना। अधिक मात्रा में चाय के सेवन से बॉडी हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। इससे एक्ने और पिंपल्स जैसी समस्याएं आ जाती हैं। डिहाइड्रेशन की समस्या भी बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आप अधिक मात्रा में चाय पीते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दूध वाली चाय में मौजूद कैफीन शरीर की पानी को सोख लेती है, जिस वजह से डिहाइड्रेशन होता है, यानी आपको दिक्कत करनी पड़ेगी, घबराहट होने लगेगी। चाय का ज़्यादा सेवन करने से आपको घबराहट की समस्या हो सकती है। दरअसल चाय में टैनिन पाया जाता है, जो आपकी इस परेशानी का कारण बन जाता है। दांतों को नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, चाय में मौजूद टैनिन दांतों के लिए हानिकारक हो सकता है। खासकर जब आप खाली पेट चाय पीते हैं तो ये दांतों की कीटाणुओं को भी बढ़ा सकता है, जिससे कैविटी और मसूड़ों में समस्या पैदा हो सकती है। साथ ही गर्म होने की वजह से चाय दांतों को कमज़ोर कर देती है, नींद की समस्या हो जाती है। सुबह को खाली पेट चाय पीने से नींद की समस्या हो सकती है, क्योंकि यह आपकी स्लीप क्वालिटी को कम कर देता है, यानी आपको नींद नहीं आएगी और आप सुकून की नींद नहीं ले पाएंगे। यह जलन और सिरदर्द की समस्या भी करती है। दोस्तों, ज़्यादा चाय पीने से कुछ लोगों को एसिडिटी रिफ्लेक्स की समस्या हो सकती है। ऐसा चाय में मौजूद टैनिन के कारण होता है, जिसकी ज़्यादा मात्रा में अगर हम सेवन करें तो पाचन तंत्र में जलन होने लगेगी। फिर क्या होगा, ज़्यादा चाय पीने से कुछ व्यक्तियों को सिरदर्द की समस्या हो जाती है। अगर आप एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो ऐसे में चाय पीने से बचें। ये आपकी दवाइयों के असर को कम कर सकती है। इस तरह आप किसी भी स्थिति में ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीने से बचें। तो दोस्तों, अभी तक मेरी चैनल को जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि और नई